इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने टॉपिक पहले भी पढ़ लिया है चैप्टर 3 में, वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक इजियर मेथड होगा, तो ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2×3 का 1×3 का, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स है ए, वैल्यू बता उसकी -1, -5, -3। और देखिए इनवर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए आएगी -1, 5, -3, 2, -2, +15, कितना आया 30। और इसका चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट 2×2 का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कर्ण डायरेक्ट, तो बोलो एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5, 2 -5, 3 -1। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, क्लियर। तो हेंस ए इनवर्स हो जाएगा, पहले फॉर्मूला तो 1/determinant value × adjoint of A, 1/determinant value 30, 2 -5, 3 -1। चाहो तो 1/30 सब में लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे रहने तो तुम चलेगा 2/30 -5/30, मैट्रिक्स को सब में डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये आया आपका इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स से सेम टू करो तो क्या आएगा, आई ए इनटू इनवर्स इक्वल टू आई।